ये वहीं देखते रहता बिल्डिंग के तरफ, है ना। दिन भर भाग भाग के भी जाता है। आज लेकर जाएंगे तुमको, ठीक है। हाँ, उदास नहीं होना, वहीं देखते रहता। सब सोए हैं, ये देखो, ये भी सोया है, इधर एक सोया है, ये कालू राम, और ये दोनों भी सोए, लेकिन इसका पूरा ध्यान वहीं है बिल्डिंग की तरफ। देखिए, यहाँ से दिखाती हूँ मैं बिल्डिंग, ये देखिए। तो इसी से ऐसा लगता है कि ये वहीं रहता है, ये बिल्डिंग दिख रही है। तो इसको अगर बाहर भी भेजो तो सीधा नीम के झाड़ के पास जाता, और वहाँ से किसी ने शायद इसको इस पार्क किया होगा तो वहाँ देखने लग जाता है। और वहाँ से वहाँ के जो कुत्तों की आवाज़ आती है उसको भी नोटिस करता रहता है ये। शायद इसकी जानी पहचानी आवाज़ होती होगी। तो अब कम से कम 3 महीना तो हो ही गया इसको। इसके ओनर भी अगर होंगे तो वो परेशान हो रहे होंगे, किसी ने बदमाशी किया है इसको, इस तरफ कर दिया वॉल के। और ये देखो, ये सोता कम है और बार बार बाहर जाने की जिद भी करता है। बाहर छोड़ दो तो अंदर आने की जिद करता है। इसके जो पैर उठाया हुआ है ये पार्ट में, इसको जब आया था तो लाल लाल फुंसियाँ हो गई थी, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत थी। तो इसको फिर हमने खाना देना शुरू किया और अंदर बिठाना शुरू किया, इनसे फ्रेंडशिप करवाई बड़ी मुश्किल से। फिर भी कभी कभी लड़ते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता, एज में होगा 1-2 साल का, 2-3 2-2.5 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 साल का भी है कि नहीं। नींद आ रही है, अभी गाड़ी आएगी, चलेंगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब राजी खुशी से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं अपने ये सारे डॉग से मिला रही हूँ। इसमें एक नया मेंबर आया है, ये वाइट वाला। इसको हो गए 3 मंथ्स, क्योंकि किसी ने इसको, ये सामने हमारे रेलवे का वॉल कंपाउंड है, यानी रेलवे ट्रैक गया है यहाँ से, तो उस पार वाले सोसाइटी वालों में से किसी ने बदमाशी करके इसको इस पार कर दिया है। हम लोग इस वाइट वाले को लेकर भी गए थे कल, इसका घर ढूंढने के लिए, या कोई होगा इसका अपना, तो क्योंकि ये उदास रहता है, बाहर बाहर जाने के लिए करता है। और ये अभी इनको बेडशीट दिए हैं यहाँ पर, और ये कूलर भी ऑन किया है। ये अभी का ही वीडियो है, जस्ट 2:30 बजे इनको शैम्पू करवाया है आज संडे को। तो ये क्या है, बारिश का समय है, बरसात में सारा तरफ खाली प्लॉट जो है यहाँ पर, उसमें कीचड़ पानी भरा हुआ है, तो ये सारे पैर गंदे करके आते हैं। तो पिछले हफ्ते इनको बात करवाया था, ये शैम्पू रखा है इनका, ये देखिए इससे, ये शैम्पू है इनका, इससे अभी इनको बात करवाया। और 4 है ये, एक ब्लैक वो बैठा है, उसको कितना बोल रहे इधर आ जा, थोड़ा सूख जाएगा हवा में। तो बिना पानी के कूलर को ऑन रखा है इनके लिए, क्योंकि इनका पोंछने के बाद, इनका बदन पोंछने के बाद इनको सुखाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो इनको फंगस हो जाता है। ऐसे गीला छोड़ दो तो स्किन में फंगस हो जाता है, और फिर बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ता, खुजाते रहते मतलब, तो खुजली जैसा हो जाता है। फिर इनके बाल उतारो, पूरा ट्रिमिंग करवाओ, फिर उसको ट्रीटमेंट दो, उसमें रोज़ दवाइयाँ लगाओ, तो काफ़ी खर्चा आता है। इसलिए इनको बात करवाने के बाद ऐसे सुखाना ज़रूरी है, पोंछने के बाद हवा में, तो ये सूख जाएंगे। तब तक के लिए कूलर को ऑन रखा है। थोड़ा मौसम, ये वेदर तो देख रहे हैं आप, बादल बादल है, तो इसीलिए थोड़ा सा बिना पानी के कूलर को ऑन रखा है, ताकि ये सूख जाए।
और ये देखिए ये ब्रूनी है, और ये इसका कुछ नाम नहीं है, पप्पी पप्पी बोलते हैं अभी, क्योंकि इसको समर में गर्मी के टाइम किसी ने इस तरफ कर दिया था, तो फिर इसको भी फुंसी फुंसी हो गए थे। और हमारे यहाँ डॉग है तो ये यहीं आ जाता था बार बार, तो इसको भी अंदर रखा है, और इसके कोई अपने मिल जाएंगे तो देख रहे हैं, इसकी कोशिश जारी है कि ये कोई ले जाए, है ना, यहाँ चार चार रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये तो इसका रॉकी है, तीन पैर वाला हमारा, इसकी भी स्टोरी पता ही है आपको, मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि ये 8 मंथ का था तब इसको लेकर आए थे, हाईवे में इसका एक्सीडेंट हुआ था, अभी तो हो गया है 3.5 साल का, ये चौथे में लगा है मतलब। तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला, उसके बाद हमने सोचा सुधार के छोड़ देंगे, तो काफ़ी लंबा चलने के वजह से फिर इसको क्या छोड़ते ना, एक पैर कटवाने के बाद पैर ठीक नहीं हो पाया, और बैक में भी इसके हड्डी टूटी थी, वो तो ठीक हो गई, बैक में जो थी वो थोड़ा सा मतलब खड़ा नहीं हो पाता था, वो ठीक हुआ, लेकिन इसकी पैर की जो एक था वो कटवाना पड़ा। और ये है डॉगी, नाम रखे इसका, ये देखो आया था, तो इसको पहले वीडियो में देखेंगे तो आप दिखेगा इसको कितना दुबला था, ये बहुत दुबला था, अभी बढ़िया रहता है घर में, स्ट्रे डॉग है ये भी, मतलब किसी का पाल के छोड़ा हुआ। तो बेटी जा रही थी योगा क्लास सिखाने, तो इसको सुबह मॉर्निंग के समय मतलब 8 बजे रोड पर लड़खड़ाते हुए दिखा, चल रहा था, 2 कदम गिर रहा था, चलते चलते गिर जा रहा था, तो इसको फिर देखा तो इसके सर में किसी ने मारा हुआ था, मतलब किसी औजार से मारा या किसने मारा पता नहीं, ऐसे सर में छेद था, ताज़ा घाव था। तो उसने उस दिन क्लास को जाना पोस्टपोन करके इसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए, एम्बुलेंस बुलाए, इसको ट्रीटमेंट दिए, फिर इसको घर में लाए, ये 8-9 साल का है, डॉक्टर ने बोला ये 9 साल का है, तो फिर इसको घर में ही रख लिए, क्योंकि वो एरिया में काफ़ी पूछा सबको, तो वो बोले यहीं बैठता है, ये बाहर का ही है, यहीं बाहर बैठता है, और यहाँ जो बकेट रखी है बोले इसमें पानी पीता है, तो यहाँ ये किसी का नहीं है, तो फिर हमने सोचा यहाँ शांत है, किसी को कुछ कर भी नहीं रहा, और खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, तो लोग वहाँ चिकन सेंटर वगैरह बहुत थे रोड के साइड में, तो वहीं किसी ने मारा था शायद इसको, तो सब ने डिसाइड किया कि ये ज़्यादा एज का भी हो गया है, तो इसको घर में ही रख लेते, तो अभी जाना भी नहीं चाहता, इसको बाहर भेजते तो तुरंत वापस आ जाता है घूम के, और ये ऐसे करके 4 है अभी देखिए, और कैट तो आपको पता ही है घर के अंदर कितनी है, वो भी सब एक एक करके अडॉप्ट की हुई है, ये देखिए ऐसे चलता है 3 पैर में। रॉकी आ जाओ गद्दे में बैठो, इसको गद्दे तो फट गए इनके, तो ये चादर को भी गद्दा ही बोलना पड़ता है तब बैठते, गद्दे इनके ख़राब हो गए थे, फेंक दिए, इस विंटर में बनाना पड़ेगा, तो ये देखिए अब उनके पास जाके बैठ रहा है, बैठ जा रॉकी हवा में बैठेगा, बैठो 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 बैठो, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अभी तक उसका पस निकलता है, इसका एक डॉक्टर ने सब मतलब इसका पैर भी बनवा के दिया था, आर्टिफिशियल पैर बनवा के दिया था यहाँ वहाँ से डोनेशन करके, तो वो 25-26 हज़ार का कुछ बना था, लेकिन वो पस आता है ना उसका पैर जहाँ से पहनाते हैं वहाँ से, अभी तक वो जो एक्सीडेंट का असर गया नहीं है, बीच बीच में पस आता है उसको, तो उसकी वजह से नहीं पहन पाता, तो अभी इसका फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन हो गया है, इसका तो काफ़ी पहले हो गया था, इसने एक भी बार बच्चे नहीं दी, मतलब आई हमारे घर में ये भी कहीं से, तो इसका भी फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो गया है, ये ब्लैक वाले का भी अभी कर दिया है, और ये रॉकी का भी कर दिया, इसलिए इनके अभी मोटापा बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर ने बोला इनको चावल कम दो अब, कैसे है ये हमारे। और ये देखो गिलहरी आई है वॉल पे, दिख रहा है यहाँ पर मैं बाजरा रखती हूँ ना, तो ये आते हैं पक्षियों के लिए बाजरा रखते हैं, ये भी खाते हैं, और ये देखिए पक्षी बैठे हैं ऊपर कार में आके,
दिन भर डालते रहो बोलते, बहुत खाते हैं, बहुत वेस्ट भी करते गिराते हैं, इसलिए मैं अभी ये लाई थी एक टंगाने वाला, इसमें से नहीं खाते, इसमें से नहीं खाते थे, इसको ऐसे खाली पड़ा है, इसमें वेस्ट नहीं होता मैंने सुना था, तो ये लेकर आए थे, तो इसको ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कैसे खाना, तो खाली पड़ा है, अंदर करके लटका दिया, बाहर दो चार जगह लटकाया था इसको कि नहीं खाते इसमें से, तो मैं ये वॉल के ऊपर रख देती हूँ गेट के दोनों साइड। और ये पॉट है यहाँ पर, ये पॉट में रखते हैं, खा के गए अभी, ये देखिए ये भी टूट गया ऐसे है ये, अभी मैं थोड़ा आधा घंटा से ज़्यादा हो गया इनको हवा में सूखते हुए, तो इनको अभी मैं बंद कर दूँगी कूलर को, क्योंकि ये डॉगी तो ब्लैक वाला बैठ नहीं रहा है, इधर डेली फिनाइल डाल के धोते हैं हम लोग कि इनको मच्छर मक्खी कुछ परेशान ना करें, तो रात में इनको बिस्तर दे देते हैं यहीं पर, डबल करके फोल्ड करके बेडशीट को, एक एक को सबको अलग अलग, तो यहीं सोते हैं, तो इनको प्यार देते हैं तो इनसे प्यार भी मिलता है। रॉकी आ जा, रॉकी बैठ जा। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो बताना फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।